Students, this is your math book. In today class, we will do the exercise 12.2. Number 1, add the following. हमें सबसे पहले addition करना है. यहाँ पे arrange करके दिया हुआ है. आपको सिर्फ addition करना है. जैसे आप पहले करके addition पहले से करते हुए आए हैं. ठीक है? यहाँ पर देखिए, 49 kg को 38 kg से plus करना है. 9 को 8 से plus करेंगे. Yes, count your finger. आपने अपनी finger को count करना है. 9 नीचे, अब आप क्या करेंगे, दोनों 9 और 8 को नहीं काउंट करना है, 8 को करिए काउंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हो गया. आपने अपनी यहाँ पे थंब को रखना है. आगे 9 से आगे काउंट करेंगे. 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गया. 17 का 7 आएगा यहाँ पर. डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे और 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड होगा. ठीक है, 4 को 3 से प्लस करिए. अगेन यहाँ पे 3 फिंगर काउंट कर लो. 1 2 3 आप 4 के आगे 5 6 7 और ये 1 8. ठीक है, तो 87 केजी हो गया. अब यहाँ पे प्लस करेंगे. 4 को 6 से प्लस करना है. 4 को 6 से प्लस करेंगे. काउंट योर फिंगर. 1 2 3 4 5 6 6 को काउंट करेंगे. 4 तो है ही और 4 के आगे से आप काउंट कर, यहाँ पे हमने किया है तो 3 फिंगर को हम काउंट कर लेंगे. यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 10 का 0 आ जाएगा. 0 और 1 आगे करेंगे. 8 और 2 बहुत सिंपल है. इसको 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा. 10 में 1 प्लस किया तो 11 आ गया. 11 का 1 और 1 फॉरवर्ड हुआ कैरी के लिए. ठीक है, अब 0 से 4 को प्लस करेंगे. जब भी हम 0 से प्लस करते हैं किसी भी नंबर को तो सेम नंबर मिलता है हमें, 4 आएगा. 4 में से 1 को प्लस किया, 5. ठीक है, अब आते हैं 666 केजी 287 केजी. यहाँ पर हमें इसको करना है, 6 से 7 को प्लस करेंगे. 6 से 7 को प्लस करिए. यस, 7 फिंगर काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ तक आ रहा है आपका. आगे 6 से आगे काउंट करेंगे. 7 8 9 10 11 12 13 13 आया. 13 का हम 3 लिखेंगे और 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड करेंगे. 6 से 8 को प्लस करिए. ऐसे ही अपनी फिंगर को 8 नीचे वाला 8 है काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया. अब 6 के आगे काउंट करना है. 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आया और ये 1 कैरी प्लस करिए. 15 हो गया. 15 का 5 आएगा. 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड कर देंगे आगे. 6 से 2 को प्लस करना है तो बहुत ईजी है. इसको काउंट करने की जरूरत नहीं होगी. 6 प्लस 2 8 हो गया और 8 में 1 9, यानी माइंड में इसको हम प्लस कर लेंगे. ठीक है, और ये आया केजी. यहाँ पे भी केजी लिख देंगे. यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया है. राइट ग्राम एज 3 डिजिट नंबर. जब हम ग्राम को 3 डिजिट नंबर में लिखते हैं तो राइट 75 ग्राम अगर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 075 ग्राम. ठीक है, 5 ग्राम लिखना है तो एज 005 ग्राम. ठीक है, तो आगे आता है आपका 2 प्लस 6. 2 को 6 से प्लस करना है तो क्या हो जाएगा, 8. 2 को 0 से प्लस करिए, 2, और 3 को 0 से करेंगे तो 3, क्योंकि सेम डिजिट मिल जाएगी. ये 322 ग्राम और 6 ग्राम को प्लस करने पे हमें क्या मिला, 328 ग्राम. अब आता है 8 प्लस 8. 8 को 8 से प्लस करेंगे. काउंट योर फिंगर अगेन. यस, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब 8 को 8 से करना है. आगे 8 के आगे काउंटिंग रीड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 हो गया और 8 के आगे 9 10 11 12 13 14 15 16 आया. 16 का 6 आ जाएगा. यहाँ पे 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड करेंगे. 5 प्लस 7, 7 को 5 को 7 से प्लस करना है तो क्या आएगा आपका, 7 काउंट करिए. 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ आ रहा है. 5 के आगे रीड करेंगे. 6 7 8 9 10 11 12 12 में 1 ये जो है प्लस करना है. 13 आया. 13 का 3 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड करेंगे. 4 प्लस 3 7. 7 में 1 प्लस किया, 8. 836 ग्राम हो जाएगा. इसी तरह से 8 प्लस 6. 8 को 6 से प्लस करेंगे. अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. 8 को 6 से प्लस किया, 14 आएगा. 14 को 14 का 4 लिखेंगे. 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड होगा. अब 0 से 7 को प्लस किया तो 7 आएगा. 7 में 1 प्लस किया तो 8. 1 प्लस 1 2. अब यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम को अलग किया हुआ है तो यहाँ पे डिजिट के नीचे आपने डिजिट लिखना है. इधर उधर नहीं करना है. ऐसा नहीं ग्राम का केजी में आ गया और केजी का ग्राम में चला गया. आपको सब
अलग अलग लिखना है, जिससे पता चले कि केजी का कितना है और ग्राम का कितना है। 3 + 6 यस 9 हो जाएगा, और इसको भी प्लस किया तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3। अब 3 रॉ हो गई हैं प्लस करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 और 5 को प्लस करेंगे। 9 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आया, यस 14 आया। 14, अब 14 जो आ गया, अब 14 से हम 5 को प्लस करेंगे। 14 + 5 19 हो गया। 19 का 1 कैरी जाएगा, 1 को 0 से किया 1, और ये 9 प्लस किया 10, और 10 और 1 11, 11 का 11 1 कैरी के लिए फॉरवर्ड हो गया। 6 + 3 9, अब 9 को 0 से प्लस करेंगे तो 9 ही आएगा, और ये 1 10। अब 10 आ गया, तो 10 का क्या है, यहाँ पे पूरा 10 नहीं लिखना है, 10 का 0 लिखेंगे, और ये 1 यहाँ पे आगे फॉरवर्ड हो जाएगा कैरी के लिए। 3 + 6 9, 9 को 0 से प्लस किया तो 9 आएगा, और 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 का 0 1 कैरी फिर अगेन फॉरवर्ड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 5 + 6 11 होता है, 11 में 7 प्लस किया 18, 18 में 1 प्लस करिए 19, 19 का 9 1 कैरी आगे फिर जाएगा। अब 1 यहाँ पे नहीं है कोई डिजिट, तो यहाँ पे 2 से प्लस करेंगे, 1 + 2 3, और 3 जो 1 है कैरी आया है 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 490 केजी हो गया और 19 ग्राम हो गया। ठीक है, आगे है 0 को 0 से प्लस करेंगे 8, 0 0 जो है 0 ही हो गया, और 8 को प्लस किया तो 8 आ जाएगा। 2 + 6 2 को 6 से प्लस करिए 8, 8 को 2 से प्लस किया 10, 10 का 0 1 आएगा कैरी आएगा। 1 + 3 4, 4 में 0 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, और ये 1 5 हो गया। 1 + 5 6, और 6 के साथ 8 को प्लस किया, यस 14 हो गया। 14 का 4 1 अगेन कैरी के लिए हो गया। 2 और 9 कितना होगा, 2 और 9 11 हो गया, क्योंकि 0 से जब हम करेंगे तो सेम डिजिट मिलेगी। 2 को 0 से किया तो 2, और 2 से 9 को प्लस किया तो 11, 11 में 1 कैरी प्लस करेंगे 12 का 2 अगेन एक 1 फिर हुआ। तो यहाँ पे देखिए, ना तो ऊपर 1 है और ना नीचे 1 है, तो 1 का 1 होगा, और जो कैरी 1 आया है उसको प्लस कर देंगे 2, तो 224 किलो हो गया और 508 ग्राम हो गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसको नोटबुक में करना है, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।